डॉक्टर साहब, एक बात विशेष बात है कि काशीराम साहब ने पूरे देश का दौरा करा और पूरे देश का दौरा करने के बाद उन्होंने बहन कुमारी मायावती को बीएसपी की कमान ही क्यों सौंपी? बताइए, तो ये कहें कि बीएसपी की कमान बहन कुमारी मायावती के हाथों में ही क्यों सौंपी, इसको आप चलाएं, उसके बारे में बताएं। देखिए, कोई भी संगठन है, उस संगठन की अपनी एक निश्चित प्रक्रिया होती है जी। आप देखें कि 1993 में उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा की सरकार बनी, उससे पहले उत्तर प्रदेश में काफी सारे चुनाव हुए थे, और जैसे हरिद्वार का उपचुनाव हुआ था जी। हरिद्वार का उपचुनाव हुआ उस समय पे वहां पे रामविलास पासवान चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बहन जी ने चुनाव लड़ा। बहन जी को 135,000 वोट मिले, जो जीतने वाला व्यक्ति था उसको 141,000 वोट मिले जी। तो मतलब 5-7,000 का डिफरेंस रह गया था। मीरा कुमार वहां पे चुनाव लड़ रही थी, तो मतलब शायद वो तो काफी महत्वपूर्ण वो हो गया था। उसके बाद वो बिजनौर से उपचुनाव उन्होंने लड़ा था, बिजनौर में मीरा कुमारी चुनाव उनके खिलाफ लड़ रही थी, तो वहां पे भी उन्होंने जबरदस्त टक्कर दी। और ये सब 85, 86, 87 की बात हो रही है। फिर 89 में बिजनौर से वो सांसद बन के आ गई जी। तो आप कह सकते हैं कि 89 तक आते आते वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। जब 93 में सपा बसपा की सरकार बनी, उस सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की भी थी, और माननीय कांशीराम साहब ने बहन जी को ये आदेश दिया, उनको ये जिम्मेदारी दी कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार सही रूप से काम करे, इसका ध्यान रखिएगा। उस समय पे उन्होंने बहुत एफिशिएंटली चीज़ों को देखा और समाजवादी सरकार के साथ जो है अपने संबंध बनाए। किसी वजह से वो बहुत आगे नहीं चल पाया वो उस समय पे, क्योंकि लगता है कि उस समय पे मनवादी लोगों ने कुछ इस तरह का षड्यंत्र किया और आपस में सपा बसपा के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करके उस गठबंधन को तोड़ दिया उस समय पे। लेकिन 95 में बहन कुमारी मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, फिर 97 में मुख्यमंत्री बनी, फिर 2000 में मुख्यमंत्री बनी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय तक वो राष्ट्रीय फलक पर छा चुकी थी। माननीय कांशीराम साहब ने उनको 2001 में ही कहा था कि वो आने वाले समय में बीएसपी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं था, उनको उन्होंने अपनी योग्यता अपनी क्षमता को पहले से ही दिखाया था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बहुत अच्छे से उन्होंने चलाया था, इसलिए आंदोलन को, पार्टी को और सरकार को बहुत अच्छे से चलाने की वजह से माननीय कांशीराम साहब ने बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और उसके बाद बहन जी ने भी अपने आप को सिद्ध किया। 2007 में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की अपने बूते पर मुख्यमंत्री बनी। मुझे लगता है कि उनकी कार्य प्रणाली, उनकी कार्य कुशलता, उनकी एक प्रशासक के रूप में क्षमता, उनकी एक राजनेता के रूप में जो छवि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मायावती अपनी जो योग्यता है उसको अनेक बार सिद्ध कर चुकी है जी।